माम आया भादवा माता के दरबार में, सच्चे मन से जो मांगा जाता है वह अवश्य मिलता है। अनेक लोग यहाँ आते हैं माता के दरबार में, माता टेकते हो, मन्नत मांगते हो, मन्नत पूरी होने पर कोई पैदल यात्रा करता है तो कोई लोटन यात्रा। कनावटी निवासी दीपक मेघवाल ने भी भादवा माता के दरबार में मन्नत मांगी और मन्नत पूरी होने पर वह कनावटी से भादवा माता तक लोटन यात्रा कर रहा है। करीब 25 किलोमीटर की यह यात्रा वह लौट कर पूरी करेगा और भादवा माता के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगेगा। माँ माया भादवा माता का दरबार संकटों को हरता है, दुख छीनता है और खुशियां देता है। यहाँ लोग घसीटते हुए आते हैं, बीमार होकर आते हैं और जब जाते हैं तो खिलखिलाते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये दीपक जी मेघवाल है, हमारे गांव कनावटी के निवासी हैं और इन्होंने कोई भादवा माता से कोई मन्नत करी थी तो भैया की पूरी हो चुकी है। अब ये ग्राम कनावटी से भादवा माता तक की इन्होंने लोटन यात्रा चालू करी है और आज दिनांक को नवरात्रि का फर्स्ट दिन है तो ये निकले हैं यात्रा पर। वो लगभग इनको 2 से 3 दिन लोटन यात्रा में लग सकते हैं, पश्चात माता जी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेकर माता जी के वापस गांव में आएंगे। बहुत सारे लोग इनके साथ में गांव के जैसे भैया लोग लगे हैं इनकी सेवा में और मेडिसिन वगैरह डॉक्टर साहब भी है, उनको फ़ोन अगर बीच में कोई दिक्कत आए तो मैं कॉल करना, मैं इनको अटेंड करूँगा। इस तरीके से इन्होंने गाँव की कुछ अच्छे से माहौल के लिए इन्होंने कामना करी थी और उनकी पूर्ण हो चुकी है और अब ये यात्रा पर निकल चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय कर लिया है और 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। टोटल कितना किलोमीटर होगा आपके? लगभग ये कनावटी से भादवा माता होगा 25 किलोमीटर और इनको 2 दिन तो कंपलसरी है, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश लेट हो जाए तो 3 दिन भी लग सकता है।